हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखो गाइस, सुबह के बज रहे हैं 7:45, मतलब 7:44 एंड 18 नवंबर है आज गाइस। देखो छठ पूजा स्टार्ट हो चुकी है और मैं लॉगिन कर चुका हूँ, ठीक है। आज सैटरडे का दिन है, मे बी देखता हूँ कि मार्केट का सिचुएशन क्या रहता है। आई होप कि अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि मैंने भाई आज भी कल के तरह का दिन रहा ना, पूरा मतलब मूड ख़राब हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कल के तरह दिन रहे, एटलीस्ट पोर्टर वगैरह की तो भाई अच्छी खासी होनी चाहिए। सैटरडे का दिन है, रास्ता तो बहुत खाली लग रही है भाई, देखते हैं। सुबह में 6:30 मैंने उबेर ऑन करके देखा था, ऑन मतलब लॉगिन नहीं करता हूँ मैं, ऐसे बस ओपन कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कि मार्केट कैसी है, रेड ऑरेंज कैसी है, तो उसी से आइडिया लग जाता है। तो उस समय तो क्रेज़ अच्छी थी, बट अभी का खाली दिख रहा है भाई, पता नहीं चल पा रहा आजकल मार्केट का कब क्या हो जाए। चलो 7:45 हो चुका है, हम वेट कर लेते हैं पहली राइड आने तक। पैकेज मिल गई भाई साहब, 2.2 पिकअप है, साउथ दमदम जाना है भाई। आदर्श भाई का दिल खुश हो गया यार मेरे पैकेज मिल गई सुबह सुबह। चलो चलो चलो, तब भाई पोर्टर को तो ऑफ ही कर देता हूँ। अभी उबेर का इंटरफेस चेंज हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, इसमें थोड़ा सा डिटेलिंग के साथ है। लो भाई आज की पार्टी फिर से मेरी तरफ से, ये देख लो भाई, ये है नियो नाश्ता चिनार पार्क का। देखो एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, माइंड मत करना, ऐसा फील होता है। चलो कंप्लीट पिकअप, नेविगेशन देखता हूँ। अच्छा 7.3 किलोमीटर भाई, तगड़ी वाली लगती है, अमाउंट मिलेगी तब मेरे को आज। चलो इसको लेके जाते हैं, ऐसे ही 10 पैकेज मिल जाए ना, 10 पैकेज फटाफट से बैक टू बैक, मज़ा आ जाएगा काम करने में आज। और चलो गाइस, हो गया हमारा 100 रुपीज़ 96 का फेयर बना, 100 रुपीज़ पे किया उन्होंने। सुमन जी का राइट है और इसमें मिला मेरे को कितना दिखता हूँ, एक सेकेंड जल्दी से आ जा भाई। 93 रुपीज़ मिल गई गाइस, मतलब समझ रहे हो पार्सल कितना प्रॉफिट है, 6.5 किलोमीटर का 93 रुपीज़, बहुत सही दे रहा भाई पार्सल में उबेर, मतलब वो तो भाई पार्सल मतलब एक तरह से उबेर कुबेर बन के बैठा हुआ है, ऐसा समझ लो। है सब करा जाए, पिन दे बोलो। 4538 अरे कोथा जाबेन, আমি যাব এই মাইকতলা ইএসএ হসপিটাল আছে। আচ্ছা ওই উড়ুরাঙ্গার পরে যেটা, হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা কাকুরগাছি মনন, হ্যাঁ ওই কাকুরগাছি বলে আবার সেই মাইকতলা বলে দিয়ে চলে গেছে, হ্যাঁ ওই জায়গায় আর কি। বসুন, চলবো হ্যাঁ এদিকে বাঁ দিকে, তো চলো ভাই হো গিয়ে হমারা ইয়ে উবের কা রাইড ভি কমপ্লিট, 60 রুপিস কা। ये है ESI हॉस्पिटल, जिसको आप एक तरह से मानिकतला बोल सकते हो, मानिकतला एक्चुअली है नहीं। 57 रुपये मिला भाई, डिस्टेंस तो हमारी 5 किलोमीटर से भी कम था, अच्छा है। चलो 4.5 किलोमीटर का डिस्टेंस था, हम यहीं पे वेट कर लेते हैं नेक्स्ट राइड का। मैंने पोर्टर भी यहीं पे ऑन कर लिया है, मे बी पोर्टर से राइड आ जाए। कितने तेजस्वी वाले राइड मिली है गाइस, 1.3 पिकअप एंड 11.1 ड्रॉप है, 120 रुपये दे रहा है, दमदम राजबाड़ी की, मज़ा आ गया भाई। ऐसे ही राइड चाहिए थी आज, और आज उबेर बहुत लग रहा है, मेहरबान है।
बस बस ऐसे मेहरबान रहे। चलो पिक करने जाते हैं फटाफट से। ऐसे ही उबेर मेहरबान रहे, काम करने में मज़ा आ जाएगा आज। चलो 1.3 पिक करने पहुँचते हैं। पिन बता दीजिए। 7038। इधर से निकलूँ क्या? चलो गाइस, ये मेरा राइड जो है 72 वाला कंप्लीट हो गया। बताता हूँ 72 कैसे हुआ। ये देखो इसमें लिखा हुआ है 72। मैंने दिखाया था आप लोग को पिकअप के टाइम कि 112 रुपये ऐसा कुछ दिखाया था, ठीक है, 122 रुपये ऐसा कुछ दिखाया था। तो यहाँ पे आके मेरा ये 72 हो गया कैश कलेक्ट करने का, क्योंकि इनका जो है ना कोई कस्टमर ने कैंसिल मार दिया था राइट, जिसके कारण इनका 47 रुपीज़ ऐसा कुछ जो है ना माइनस हो गया था। तो वो चीज़ इसको रिवर्स मिल गया, शायद इन्होंने कंप्लेन किया होगा। तो यहाँ पे मेरा क्या है, देखो क्रेडिट रेट लिखा हुआ है -49, ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा जो ऑनलाइन है वो 49 आ चुका है, हमें अमाउंट उतना ही मिला बट कैश कलेक्ट करने को कम मिला। ये दिखाता हूँ, अभी अपडेट होने दो उसके बाद दिखा देता हूँ। ये देखो 115 रुपये मिल गया है ना, तो यही होता है भाई फंडा। आपको कैश कलेक्ट करने को कम ही मिलेगा बट आपको एक्सैक्ट अमाउंट आपको मिल जाएगा गाइस। तो ये एक्चुअली उनका माइनस था, उनका अकाउंट में दिक्कत था, तो उनके थ्रू ये हमारा ऐड हो गया। चलो 9:07 टाइम अपडेट, बाकी राइड आने का नेक्स्ट वेट कर लेते हैं। मैं आते ही भाई पोर्टर ऑन कर लेता हूँ सबसे पहले। हेलो गाइस, फिर से आ गई हूँ मैं उबेर मोटो में। फिर से भाई 6 किलोमीटर ड्रॉप्स, 0.7 पिक, 69 रुपीस मिल रहा है। चलो ये है विद्यासागर पल्ली बागोयाटी। चलो इसको बंद कर लो भाई, 9:11 हो चुका है। चलो भाई आज उबेर मेहरबान है तो भाई हम क्यों अपना दिक्कत करें, है ना। आज उबेर बहुत खुश है लगता है मेरे को। अरे भाई बताओ, सैटरडे का दिन है, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि आज ऐसे राइड मिलने वाली है। मतलब अभी तक मैंने 3 उधर, 1-4, ये 4 नंबर कंप्लीट कर दिया भाई, गजब है भाई। चलो बहुत बढ़िया, ऐसे ही उबेर साथ देते रहे तो मज़ा आ जाएगा अपने को। यार गले भी थोड़ी सी ख़राब हो गई ठंडे के कारण, बताओ 2 दिन ठंडे की नहीं की, पूरा मेरा गला ख़राब करके रख दिया यार। बाकी आप लोग को साउंड क्वालिटी कैसे लग रही है अभी ये बता देना, एंड इस वीडियो का लाइक जो है ना वो 100 है, 100 का लाइक प्लीज़ कंप्लीट कर देना यार, 100 टारगेट है, प्लीज़ कंप्लीट कर देना, और मुझे उम्मीद है कर ही दोगे आप लोग। पिन बता दीजिए। चलो ना, चलो गाइस, ये हमारा 69 का भी राइड कंप्लीट। एंड मेरे को प्री आ रखा है सूरज के नाम से। इनको जाना है, कहाँ जाना है भाई, इनको जाना था न्यू टाउन के पास शायद, कहाँ पर है बंदा ज़रा देख लेता हूँ, यही पास में ही है। चलो चलो जल्दी से जाके पिक कर लेता हूँ भाई। किधर किधर, यही लग रहा है अंकल ये मेरे से कोई होंगे, आप मेरे से कोई हो क्या भाई? हाँ, एक तो ये भैया मिल गए वापस से।
अरे यार कैसे है भैया? अरे यार, फिर से आप मिल गए। हम आपका देख के ऊपर में हम कैंसिल कर दियो एक समय। हम आप ही का देखे, हमने ठीक है रहने दीजिए। वो उल्टा 58 दिखा रहा था, मैं फोन कर बोला भैया आप कैंसिल कर दिए, आपको इंस्टा में मिला गया। हम बोले भैया यही सबसे बेस्ट प्राइस है। पिन बता दीजिए। हाँ, 3-4-2। बढ़िया है, फिर से मिल गए। वही जगह? अच्छा, बस वैसे ही रुक जाइएगा, दो टो सिगरेट ले लेंगे। हाँ अच्छा ठीक है। हेलो, अरे हम जा रहे मोटा गाड़ा। हाँ तो मोटा गाड़ा भी वहाँ भी। भैया फिर से मिल गए गाइस। ये वाली वीडियो, इनका वीडियो देखना है तो भाई मैंने 2 दिन पहले डाल रखा है, देख लेना। कल सुबह आएंगे, फिर कल चले जाएंगे, फिर कल पूरा दिन। मैंने वो बेड रेस्ट पर हम घुस गए थे। ओ हम बड़ बड़ के एकदम, मतलब क्या बताएं, तब ऐप पर पूरा भट्टी अच्छा खासा हमको। हर इंसान को ना किसी चीज का ऑलवेज नशा होता ही है। वही बात है, हमेशा होता है। और बस जैसे ही दोनों पैर गया ना भैया, हाँ, उसके बाद से तो मतलब इतना ट्राई किए जिम करने का, नहीं हो पाया। कैसे आप समझिए, हम लोग का मेन बॉडी चलता है ऊपर का बॉडी। हाँ, पैर नहीं है उसका अलग बात है, उसका बॉडी प्रेशर है, उसको पता ही है कि उसका नीचे का बॉडी का प्रेशर नहीं है। और बोलता है ना कि बिना बिना पैर वाला भी कर ले रहा है, तो पैर के साथ नहीं कर पाया। क्योंकि बिना जो बिना आँख वाला है उसका बाकी सब सेंसेस टाइट है, ये समझते हैं ना। हाँ, इसका एक सेंस में दूसरा सेंस तगड़ा हो जाता है। जिसका पैर नहीं है वो ऊपर का बॉडी पे ऑलरेडी भार देके चल रहा है, उसको पता है। हाँ, लेकिन मेरा तो पैर है। हाँ, हम जिम जाएंगे तो उसमें भी मेरे को भार देना पड़ेगा। हाँ, भार देते ही मेरा पैर में लग जाएगा। हाँ, उसमें दिक्कत बढ़ सकती है और ज्यादा। वही बात है, उससे ज्यादा प्रॉब्लम आएगा ना फ्यूचर। हाँ, को जाके उस चक्कर में वो भी नहीं कर पा रहे। ये राइड 80 नहीं 70 रुपए शायद था। हाँ, आज भी वही 70 का ही बना। कितना दूं? जैसे ही आपकी इच्छा। ऐसा आप बोलेंगे? मैं ऐसा कुछ नहीं करता, वो सब डिपेंड है आप लोगों के ऊपर। ठीक है भैया। हाँ हाँ ठीक है। चलो गाइस, फिर से भैया का राइड हो गया कंप्लीट। एंड इस बार उन्होंने मेरे को 70 के जगह 100 रुपये पे किया। देख रहे हो भाई, यही होता है। ये थोड़ा सा मेरे से क्लोज़ हो गए हैं, मैं भी इनसे थोड़ा क्लोज़ हो गया हूँ। बढ़िया है, अभी तक दूसरा बार ही मिला हूँ, पर बहुत बढ़िया बंदा भाई, बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है और नॉलेज वाली बातें करता है। ऐसा नहीं कि फालतू के कुछ भी बक दिया, ऐसा कुछ नहीं है। चलो अब यहाँ से मेरे को राइड लेना है, फिर से वही लोकेशन पे आ गया जो कि मैंने उस दिन बाली चला गया था। ठीक है, वही वाली राइड आ गई फिर से। मतलब बाली वाली आ जाए तो फिर से मज़ा ही आ जाएगा मेरे को। और टाइम अपडेट बता देता हूँ गाइस, 9:57। देखो मैं ऑलवेज अभी जहाँ पर भी ड्रॉप कर रहा हूँ किसी को भी ना, तो तुरंत ही मैं फटाफट से ऑन कर ले रहा हूँ पोर्ट। ठीक है, 9:57, 3 मिनट बाकी है 10 बजने में। देखो भाई, आप लोग का ना एक दो कमेंट है जो कि मैं यहाँ पे बोल देता हूँ। भाई अखिल जी का एक कमेंट आया हुआ है कि उनका भी एक TVS राइडर बाइक है, वो अटैच नहीं हो रहा उबेर में। ठीक है, उसमें उसको बता रहा है कि मेक एंड मॉडल कैन नॉट बी अप्रूव्ड। तो इसका मतलब यही है कि भाई आपने जो मॉडल वगैरह सेलेक्ट किया ना कहीं वो मिसमैच हो रही है, जिसके कारण आपका अप्रूव नहीं हो रहा अखिल जी। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिए आप। आप एक बार फिर से ट्राई करो, उसमें मॉडल वगैरह अच्छे से सेलेक्ट करो, तब जा कर के शायद अप्रूव हो सकती है। ये देखो भाई, ये कहाँ की राइड मिल गई, बहुत तगड़ी वाली, 207 रुपये की, 21 किलोमीटर। मेरे को पता नहीं ये कहाँ की डिस्टेंस है, बंद घाटा ऐसा कुछ कर गया भाई, मेरे को पता नहीं, एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अरे यार स्क्रीन शॉट ले रहा हूँ, तब से ले ही नहीं पा रहा हूँ। बहुत तगड़ी वाली राइड मिल गई भाई, लेकिन ये लोकेशन बंद घाटा वगैरह कहाँ पर है ये तो मेरे को पता नहीं। ये 5 से लोकेशन से, वाह भाई वाह, मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ ये बंदा घाट नाम करके। भाई मेरे को पता नहीं ये लोकेशन, ये हावड़ा की दिखा रही है। चलो जाके भी हो, मैंने ले लिया, 206 रुपये की राइड है, 21 किलोमीटर, बट मेरे को शॉर्ट रास्ता भी दिख रहा है।
LIG એટાઈ પિકઅપ આછે ઉબેર યહી વાલી હૈ ભાઈ અબ જલ્દી સે આ જાય યે સિટી સેન્ટર 2 કા ફૂડ ડિલિવરી કા જો સર્વિસ હૈ ઉસી કે સામને હું ચલો ગાઈસ 208 કી રાઈડ હમારી કમ્પ્લીટ ડન માર્ક તો અભી ભાઈ રેડ 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 પડી હુઈ હૈ 198 રૂપિયે મિલા ઉબેર યે ગલત બાત હૈ ભાઈ 21 किलोमीटर का 98 रुपये 198 चलो कोई नहीं इधर लेकिन गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा है बहुत 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 ज़्यादा पोर्टर ऑन करता हूँ मे बी पोर्टर में कुछ अपडेट आ जाए चलो थोड़ा सा ही दे देते हैं ये राइड नेट 21 किलो का था मतलब किलोमीटर का था ठीक है और 198 रुपये दिए 608 रुपीस कैश कलेक्ट ओके ये बात देखता हूँ यहाँ पे ट्रिप में जा करके कुछ इसका दिखा देता है तो अच्छा होगा फेयर इशू के बाद यहाँ पे फेयर सेम स्लो डन नहीं देगा भाई नहीं देगा चलो ठीक है नेक्स्ट राइड का यहीं पे वेट कर लेते हैं मार्क तो बहुत रेड रेड है भाई इस पीछे रंगोली मॉल के पास मतलब जो है ना काफ़ी क्रेज बना हुआ है छठ पूजा का भाई वहाँ पे भोजपुरी में गाना बज रही है बहुत भी लाउड स्पीकर में भाई साहब मैं तो पहली बार बंगाल में भोजपुरी में गाना सुना भाई मतलब इस तरह मतलब मेन रोड पे ऐसे तो पार्टी शार्टी में तो भाई बजाते रहता है हर कोई वो वाली नहीं मतलब मेन रोड पे ऐसे ताशा वाला लगा दिया है एंड भोजपुरी में छठ पूजा के गाना चल रही मज़ा आ गया देख करके एंड बहुत बहुत पीछे में जो है ना रंगोली मॉल के पास क्रेज है भाई छठ पूजा की लग रहा है सारा बिहार यूपी का बंदा वहीं पर आके बस गया है लगता है पार्सल आ गई भाई मल्लिक बाजार की पार्सल आ गई चलो ले लिया मैंने उबेर में पार्सल आई आहा पिकअप डिस्टेंस देख लेता हूँ जरा भाई ये कुछ पास में ही दिखा रहा था मल्लिक बाजार में ड्रॉप करना है 350 मीटर ओहो मजा ये जगह पे ना मैं दो बार तीन बार ले चुका हूँ एक बार तो बारिश में भीग के यहाँ पे मैंने पार्सल लिया था हाँ तो गया भाई लोकेशन पे कॉल करता हूँ कस्टमर को लो भैया उधर देख रहे हैं मेरे को इशारा भी नहीं कर रहे माखन भोग गाड़ी यही लगा देता हूँ सबसे बेस्ट ये रही भाई फूड ये रहा उनका कॉन्टैक्ट डिटेल माखन भोग के तरफ से आप सभी का माखन भोग में हार्दिक स्वागत है 9 किलोमीटर का डिस्टेंस है गाइस मानी मैदान क्रॉस करके मानिक तला चलो चले बहुत तगड़ी वाली लगती है माउंट मिलने वाली है 9 किलोमीटर की क्योंकि यार 3-4 किलोमीटर पे अच्छी खासी दे देती है तो 9 किलोमीटर पे कितनी मिल जाएगी आप ही सोच लो है ना चलो गाइस ये हमारा कंप्लीट हो गया डिलीवर 114 की राइड थी बट 113 ही पे किया उन्होंने चलो कभी कभी मेरे को ज़्यादा मिल जाते हैं कभी किसी और को है ना उनके पास 1 रुपया चेंज नहीं था चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आप चिल करो चिल 106 रुपये मिले इस राइड के हमें 9 किलोमीटर के 106 देख रहे हो भाई बढ़िया है ये मानिक तल्ला वगैरह ये सब जगह जो है ना ठीक है आने का मन नहीं करता भाई साहब मतलब आने का मन देखो करता तो है लेकिन यहाँ पे आ करके फिर इतना परेशानी होती है ना बहुत जगह नो रूट नो एंट्री ये वो टू व्हीलर अलाव नहीं फोर व्हीलर अलाव नहीं इतना फुटानी होती है ना भाई यहाँ की कि आप झेल नहीं पाओगे आपको घूमना फिरना पड़ जाता है 2-2, 3-3 किलोमीटर तक बहुत दिक्कत होती है चलो गाइस टाइम अपडेट 11:53 और देखा दो भाई चलो देखता हूँ कि नेक्स्ट राइड कब तक आती है मैंने पोर्टर देखो संग लॉगिन कर लेता हूँ मैं सबसे पहले लोकेशन पे ड्रॉप करता हूँ एंड पोर्टर लॉगिन देखो भाई हमारी 100 रुपये गिर गई पैसा निकालने के चक्कर में 100 रुपये गिरा दिया अगर नहीं ध्यान देता तो फिर बेटा गया हमारा यही होती है लोचा भाई संभल के इसलिए पॉकेट वॉकेट में मैं पेमेंट रखता ही नहीं हूँ बहुत रिस्की हो जाती है
भाई साहब 12:30 बज गए और मैं यहाँ पे 12 बजे से खड़ा हूँ, लेकिन राइड नहीं मिल रही। अब सोच रहा हूँ जा रहा हूँ फटाफट आगे बढ़ता हूँ, सियालदह स्टेशन पार करता हूँ, तब शायद राइड मिल जाए। भाई साहब हो क्या गया है सारे एप्लीकेशन को यार, किसी में भी राइड नहीं आ रही, ओला भी नहीं बज रहा है, नहीं उबेर बज रही है, नहीं पूटर बज रहा है, भाई कोई भी एप्लीकेशन बज क्यों नहीं रही है, क्या लोचा हो रखा है भाई। वेट करा करा के तो परेशान कर दिया मेरे को भाई। मैं मोलाली के पास आ गया अभी, अब नहीं भाई अब नहीं रुकूंगा, 1 बज गए बट मेरे को राइड नहीं मिल रहा, परेशान हो गया मैं। मैं राजा बाजार आ गया, सोचा यहाँ पर मेरे को एटलीस्ट मिल जाएगा राइड, यहाँ पर भी नहीं मिली, अब परेशान हो गया। अब निकलता हूँ सीधा घर, 12 किलोमीटर है यहाँ से। चलो भाई बहुत तगड़ी वाली राइड मिल गई मेरे को, मेरे को लगा आज खाली जाना पड़ेगा, लेकिन बच गया भाई, न्यू टाउन की राइड फाइनली मिल गया मेरे को। उबेर में मिली है 400 मीटर पिकअप एंड 12-13 किलोमीटर ड्रॉप है। चलो कुछ तो राइड मिली, मैं लगा हो गया पागल भाई, क्योंकि मैं ऑलरेडी 4-5 किलोमीटर आ चुका हूँ, अगर अभी भी नहीं मिलते ना मेरा बहुत नुकसान हो जाता फिर, क्योंकि जितना अर्निंग नहीं है उस अर्निंग के हिसाब से भाई उतनी गाड़ी ज़्यादा चल गई है। चलो आप है क्या, पिन बता दीजिए। 718। हाँ हाँ जीपे है। चलो यहाँ से निकल जाता है, हाँ उधर से ले लूँ। चलो गाइस 147 की हो गई हमारी कंप्लीट, अब देखता हूँ कितना मिलता है। 106 नहीं 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 अभी ऐड नहीं हुआ है। ₹139 मिला, चलो ठीक है, 13 किलोमीटर का ये डिस्टेंस भी था। ओ भाई साहब फाइनली न्यू टाउन तो आ गया एंड अब यहाँ से राइड मिलना मुश्किल है, बट कोई नहीं देखते हैं, हम निकलते हैं घर की तरफ, उधर मिल जाए, क्योंकि कैमरा की बैटरी भी डाउन हो चुकी है और टाइम अपडेट 1:35 हो चुका है गाइस। देखो भाई टाइम अपडेट 2 बज गए और मैं अब एंड करना चाहूँगा राइड को, क्योंकि मैं वहाँ से भाई इको पार्क से घूमे घूमे आ रहा हूँ और ये सब एरिया ऐसा घूमने वाला एरिया है, यहाँ पर भी राइड आती है, ऐसी बात नहीं कि यहाँ राइड नहीं आती है। मैं तो भाई हटाओ, टोटल मैंने 102 किलोमीटर गाड़ी चलाया घर तक का, ठीक है, घर से निकल के घर तक 102 किलोमीटर, जिसका पेट्रोल कॉस्ट होता है ₹204 बस, और अर्निंग जो हमारी हुई है, अर्निंग हुई है भाई हट जा, ₹843 उबेर से एंड ₹29 वो सूरज भैया ने जो एक्स्ट्रा दिया था बस भाई, टोटल 667 मतलब ₹666 की अर्निंग हमारी हुई पेट्रोल हटा करके, मैंने ₹205 माइनस कर दिया पेट्रोल कॉस्ट, ठीक है, 843 में प्लस 29 जो एक्स्ट्रा मिला था उसको ऐड करके, ठीक है, 666 102 किलोमीटर ड्राइव। तो वीडियो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, काइंडली आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, पुराने बंदे लाइक ठोक देना एंड टारगेट जरूर कंप्लीट करना लाइक की भाई, 100 लाइक आई होप कि कर दोगे आप लोग। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सेफ ड्राइव सेफ योर लाइफ।